हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए जान लेते हैं कि हम टोटल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये हम सिर्फ फॉर्म व्यू में जाकर फॉर्म में ही हम इसका कैलकुलेशन करेंगे, और इसके साथ ही हम टैक्स भी कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम टोटल कर सकते हैं, लेकिन सम कर सकते हैं, टोटल कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि टैक्स भी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन कर लेते हैं। यहाँ 2007 वर्जन है, मैं इसी को ओपन कर लेता हूँ। ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करना है और फिर क्रिएट पे कर देना है क्लिक, और यहाँ से व्यू पे कर दीजिए क्लिक। व्यू पे क्लिक करने के बाद इसको कोई नाम दे देता हूँ, सॉफ्टवेयर, ठीक है। एंटरप्रेस करता हूँ तो ये इस तरीके से हमें नजर आएगा। ये अभी हम डिजाइन व्यू में है, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं कस्टमर आईडी। तो यहाँ लिख दिया मैंने कस्टमर आईडी, ठीक है। तो ये कस्टमर आईडी ऑटो नंबर ही रखता हूँ, ठीक है। अगर आपको ये जानना है कि ऑटो नंबर को कैसे कंट्रोल करते हैं, तो इसके लिए बहुत सारी वीडियोस मैंने पहले भी क्रिएट कर रखी हैं, आप हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। आप एंड स्क्रीन नोटेशन में भी जाके देख सकते हैं, यहाँ पर कस्टमर का नेम आएगा। तो यहाँ लिखता हूँ कस्टमर नेम, और कस्टमर नेम देने के बाद यहाँ पर जैसे ही हम आएंगे तो यहाँ पर हमें देना है अब प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम, ओके। तो ये दे दिया हमने, और यहां पर देंगे हम प्राइस। तो यहां पर लिख दिया हमने प्राइस, और प्राइस को रखेंगे हम नंबर डेटा टाइप नहीं रखेंगे, बल्कि करेंसी डेटा टाइप रखते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे यूनिट जो है इसे हम नंबर डेटा टाइप रखेंगे, ठीक है। यहां से हम कर लेंगे इसको नंबर डेटा टाइप, और यहां पर जाकर के इसको हम बना लेंगे डबल, ताकि हम डेसिमल वैल्यूज भी एंटर कर पाए, ठीक है। इसके बाद यहां पर टैक्स की बात करेंगे, तो यहां लिख लिया हमने टैक्स, और टैक्स जो है ये भी रहेगा नंबर डेटा टाइप ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर फॉर्मेट जो है, अब पहले फील्ड साइज में हम डबल कर लेते हैं, फिर यहाँ पर फॉर्मेट पे आएंगे, और यहाँ पर फॉर्मेट भी हम कर लेते हैं परसेंट, ठीक है। इसको हम पूरा ही डेटा जो कि हम डिजाइन व्यू में जाके डिजाइन कर रहे हैं, इसको हम डायरेक्टली फॉर्म में भी डिजाइन कर सकते हैं। आगे चल करके उस पर भी काम हम लोग करेंगे और उसको भी देखेंगे। फिलहाल ये वीडियो जिस चीज के लिए है वो चीज हम देख लेते हैं। अब हमको कुछ नहीं करना, टोटल वगैरह जो भी करेंगे हम वो सीधा जाके फॉर्म व्यू में करेंगे। यहां से व्यू पे करना है क्लिक और इसको सेव कर लेना है, तो ये इस तरह से हमारे सामने आ जाएगा। अब हमको क्रिएट पे चलना है और डायरेक्टली फॉर्म पे क्लिक कर देते हैं हम, और यहां से आकर के हम चलेंगे डिजाइन व्यू में। डिजाइन व्यू में आ जाने के बाद इस चीज को हमें नीचे करना है, चूंकि सारा कैलकुलेशन हमारा फुटर पे ही होने वाला है, इसको थोड़ा और नीचे कर लेते हैं। अब यहां पर हमको कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास प्राइस है, यूनिट है और टैक्स है। तो टैक्स का फॉर्मेट जो हमने परसेंट रखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर हम डिजाइन व्यू पे आते हैं तो ये देख सकते हैं टैक्स का जो फॉर्मेट है, ये देख लीजिए, ये टैक्स का फॉर्मेट है और इसे हमने परसेंट रखा हुआ है, ठीक है। अब आते हैं वापस से यहाँ पे, अब यहाँ पर हमें वो चीजें कैलकुलेट करनी है कहाँ से आएगा। तो यहाँ पर डिजाइन पे जाएंगे और टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे, तो ये टेक्स्ट बॉक्स हमने लिया और इसको ड्रैग करा दिया यहाँ पे, ये टोटल के लिए टेक्स्ट बॉक्स होगा। तो इसके कैप्शन में जाकर के यहां पर नाम हम चेंज कर देते हैं, यहां लिख देते हैं टोटल, ठीक है। तो कैप्शन में हमने टोटल दे दिया, अब यहां पर टोटल नाम शो करेगा, तो यहां देख सकते हैं ये टोटल आ रहा है। अब हमको क्या करना है, यहां से जाना है कंट्रोल, ठीक है, ये जो कंट्रोल है यहां पे आना है, और इसका नाम भी जो है मैं टोटल ही कर देता हूं, यहां पर लिखता हूं मैं टोटल, ओके। तो ये भी टोटल हो गया। अब यहाँ पे कंट्रोल सोर्स पे आइए और यहाँ तीन जो डॉट्स बनी हुई यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, इक्वल टू का निशान लगाइए, और यहां से आपको क्या करना है, प्राइस को मल्टीप्लाई करना है यूनिट से। तो आप लिखिए यहाँ प्राइस, ओके, और प्राइस आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, या फिर इसमें आप सर्च करें, यहाँ पे देख सकते हैं इसमें प्राइस आया होगा, तो यहाँ पे डबल क्लिक करें, प्राइस आ गया, इंटू का साइन लगाइए और यहाँ पर यूनिट से इसको कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा हमारा टोटल, ठीक है। अब इसी टोटल के बेस पे हमारा टैक्स भी आएगा, तो टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहां पर आप एक टैक्स बॉक्स क्रिएट कर लें, यहां से मैं इसको क्रिएट करता हूं, इसको नाम दे देता हूं टैक्स, यहां इसके कैप्शन में हमें जाना है, ये देख सकते हैं आप यहां पर, यहां पर कैप्शन में इसके लिखा हुआ है टैक्स 14, तो इसको हटा देते हैं हम, और यहां पर हम करेंगे टैक्स अमाउंट, ओके। तो ये टैक्स अमाउंट हमने कर दिया, और अब हमें क्या करना है, यहां पर क्लिक करना है और सीधा कंट्रोल सोर्स पे आ जाना है, यहां से तीन जो डॉट्स बनी हुई है इस पर क्लिक कीजिए, आप इज इक्वल टू का निशान लगाइए, और क्या करेंगे हम यहां पे कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट कैसे होगा, इसमें हमें देखना है कि टोटल कहां है, टोटल है, इस टोटल को हम ले लेंगे, ये जो टोटल दिख रहा है ना, इस पर डबल क्लिक करें आप, और इनटू
आपको क्या करना है, टैक्स, केवल टैक्स यहां लिखना है, चूंकि हमने टैक्स ही नाम दिया हुआ है तो यहां सिर्फ हम टैक्स लिख देंगे, ठीक है। या फिर आप इसमें भी सर्च कर सकते हैं, यहां पर टैक्स आया हुआ है, आप यहां से भी चूज कर सकते हैं और ओके प्रेस करें। ओके प्रेस करने के बाद आप देखेंगे ये जो है साइज थोड़ी छोटी हो रही है, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब यहां पर हमको डायरेक्टली व्यू पे क्लिक करना है। अब कोई भी यहां पर हम डालेंगे, जैसे कस्टमर नेम मान लीजिए डाल दिया हमने राम, ठीक है, और राम के बाद यहाँ प्रोडक्ट नेम मान लीजिए हमने डाल दिया मॉनिटर, तो यहां हमने लिख दिया मॉनिटर, और मॉनिटर लिखने के बाद प्राइस जो है यहाँ पे दे दिया हमने 5000 रुपए, ठीक है। जैसे ही 5000 रुपए देंगे और यहाँ पे यूनिट देखिए 6 यूनिट हम परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे टोटल आ गया है अपने आप कैलकुलेट होकर। अब मान लीजिए इस पे 12.2% का टैक्स लग रहा है या 12.3% का टैक्स लग रहा है, तो ये कैलकुलेट हो गया, अब ये नेक्स्ट हो गया है। तो हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे तो देख सकते हैं ये टैक्स अमाउंट भी कैलकुलेट करके दे रहा है। बहुत ही आसान तरीका है, आसानी के साथ आप कर सकते हैं। यहाँ पे अगर न्यू डेटा एंटर करना है हमें, तो जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा मैंने कस्टमर का नाम महेश, ठीक है, और यहाँ पर प्रोडक्ट का नेम देंगे, जैसे मान लीजिए दिया हमने कीबोर्ड, तो ये लिख दिया हमने कीबोर्ड, और यहां पे प्राइस, और यहां पे यूनिट, तो ये यूनिट कर दिया हमने, और यहां पे टैक्स आएगा। जैसे मान लीजिए 13.2% टैक्स है, एंटर प्रेस करते ही देखिए ये भी डेटा हमारा सेव हो गया। चलिए इसको सेव ही कर लेते हैं, यहां से सॉफ्टवेयर के नाम से ही इसको सेव कर लेते हैं। अब अगर हमें वो दोनों रिकॉर्ड्स देखने होंगे तो कहां जाएंगे, यहां पर से क्लिक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारा दूसरा रिकॉर्ड है, ये हमारा दूसरा रिकॉर्ड है जो कि महेश कस्टमर है, और इन्होंने कीबोर्ड परचेज किया हुआ है, 300 रुपए प्राइस है, उसके हिसाब से यहाँ पे आप देख सकते हैं 1200 रुपए टोटल प्राइस आ गई। इस 1200 पे जो टैक्स अमाउंट लगा हुआ है वो 158.40 रुपए लगा हुआ है। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई और भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं कॉमेंट में।